काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, ऐसा रंग रंग ना जो कभी नहीं उतरे, ऐसा रंग रंग ना जो कभी नहीं उतरे, धोऊं मैं चाहे सारी उमरिया, धोऊं मैं चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग सभी भाग्यशालियों को परमात्मा के चरणों में अपनी भावना प्रेषित करते हुए कोई भी मौन नहीं रखेगा, इन पंक्तियों को देव गुरु के चरणों में रहकर अपनी हृदय की उत्तम भावनाओं का परिचय उनके चरणों में देना है। सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया। वितराग परमात्मा दिव्य ज्योति त्रैलोक्य प्रकाशक चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सह वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की भक्ति तीन तरह से होती है, मन से, वचन से और काया से। और इसके लिए जब हम गुरु वंदन का पाठ बोलते हैं तब उसमें एक शब्द आता है पज्जुआ स्वामी, हे गुरुदेव मैं आपकी परिउपासना करता हूं, यानी आपकी सेवा करता हूं। और उस सेवा को करने के लिए हमारा मन गुरु के चरणों में जुड़ना चाहिए, हमारे मन में देव और गुरु के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य आस्था और श्रद्धा के भाव रखते हुए
उनको अपना आराध्य और पूज्य मानते हुए मन में उत्तम भावों को लेकर के उनके चरणों में प्रस्तुत होना, ये मन से उनकी सेवा होती है। वचन से उनके शब्दों को अपने वचनों के द्वारा स्वीकार करना, तहत, क्षमा घणी, अंधता, जी हां, और जैसा कि अभी नाथक द्वारा संघ के भाइयों की तरफ से हुंकारा निकला, युद्ध में नगारा और बात में हुंकारा, हुंकारे से बात का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए परिषद में से जब हुंकारा दिया जाता है तो वक्ता को भी बोलने में एक अद्भुत आनंद आता है। बाजे बजते हैं तो नाचने वाले के पैर उठते हैं, श्रोताओं के अंदर अभिरुचि होती है, श्रोताओं के अंदर गुरु के प्रति अनन्य भक्ति और आस्था होती है, उनके शब्दों को स्वीकार करने की जहां भावना होती है, तो गुरु भी उदारता के साथ भक्तों के सामने परमात्मा की दिव्य वाणी को हृदय से पेश करते हुए उनके दिल को, उनके मन को प्रसन्नता देने वाले होते हैं। तो वचन से गुरु की वाणी को झेलना, ये वचन से उनकी सेवा है, वचन से उनकी परिउपासना है। और काया से विनम्र आसन से गुरु के सन्मुख बैठना, पर्यंक आसन से बैठना, कुर्सी पर भी जितना हो सके सीधे बैठने की कोशिश करना, सहारा दे करके बैठेंगे तो नींद को बुलावा देंगे और नींद आ जाएगी तो सुनेंगे क्या। इसलिए काया से परिउपासना सेवा होती है, हमें व्यवस्थित आसन के द्वारा गुरुदेवों का सम्मान और आदर करते हुए विनम्र आसन से उनके सन्मुख बैठना, ये काया से गुरुओं की सेवा होती है, काया से परमात्मा की भक्ति होती है। मन, वचन और काया के द्वारा गुरु चरणों में बैठ करके जब परमात्मा की दिव्य वाणी का आनंद लेते हैं, तब एवंता कुमार की तरह हमारे जीवन में भी वो धर्म रूपी सद्गुण अवश्य आएंगे और उससे हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। ऐसे उत्कर्ष को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें त्रियोग पूर्वक देव गुरु के चरणों में भावपूर्वक बैठ करके परमात्मा की दिव्य वाणी का आनंद लेना है। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम मेवाड़ प्रवर्तक महाश्रमण भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में 2012 में चातुर्मास किया था और उस समय में जो प्रवचन की रंगत वहां पर देखने को मिलती थी, उपस्थित श्रोताओं के अंदर परमात्मा के दिव्य वचनों को श्रवण करने के लिए, गुरुओं की हृदय से भक्ति करने के लिए जब ये चुनरी वाला भजन प्रारंभ किया जाता था, आसपास में बैठे हुए सब लोग आकर के परिषद के रूप में उपस्थित हो जाते थे और निरंतर एक घंटे तक वहां पर प्रवचन का आनंद लेते थे। और तपस्याओं की तो वहां पर लाइन लग गई थी, 300 से अधिक अठाइयां नाथक द्वारा संघ के अंदर हुई। आज हमारे बीच में नाथक द्वारा का संघ, जिसमें श्री संघ के भाई बहन और इधर युवा और युवतियों का भी बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आगमन हुआ है। इससे पहले नाथक द्वारा से 3 बार यहां पर संघ उपस्थित हो चुका है और अपने दिल की भावना, अपने हृदय के उद्गार गुरुओं के चरणों में रखते हुए उनकी भावना है कि जिस तरह से 2012 का चातुर्मास गुरुदेवों के सानिध्य में हुआ था, ऐसी ही रंगत एक बार हमारे क्षेत्र में पुनः आए, इस बात को लेकर आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर नाथक द्वारा से भाई बहन, युवा कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं और खाली खाली नहीं हुए हैं, तपस्या लेकर के आए हैं। जैसे वहां पर रोजाना तपस्याओं का लाइन लगी रहती थी, कोई 28 के पचखान ले रहा है, कोई 11 के पचखान ले रहा है, कोई 15 के पचखान ले रहा है, कोई 21 के पचखान ले रहा है और कोई माश खमन के प्रत्याख्यान ले रहा है, ऐसी अद्भुत लगन जब क्षेत्र में होती है तो संतों के दिल में भी नए नए भाव श्रोताओं के सामने प्रकट करने का भाव बनता है।
भाग्यशालियों, ऐसी उत्तम धर्म भावना यहां श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादरी क्षेत्र के अंदर भी देखने को मिल रही है। पर्युषण पर्व के अंदर सैकड़ों भाई बहन सादरी निवासी, मुंबई, पुणे, सूरत प्रवासी, बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में पर्युषण पर्वाधिराज की आराधना करने के लिए गुरु चरणों में यहां आकर के खूब अच्छा लाभ लिया। तप तप और त्याग के साथ में, धर्म और ध्यान के साथ में, विविध अनुष्ठानों के साथ में, विविध धर्म प्रवृत्ति के द्वारा गुरुओं का सानिध्य सादरी संघ के भाई बहनों ने लिया। चातुर्मास कराते हैं संघ के अंदर धार्मिक भावना बढ़े, संघ के अंदर बच्चों में संस्कार की भावना बने, बच्चे संस्कारित बनेंगे तो हमारा संघ मजबूत बनेगा, क्योंकि ये बच्चे ही आगे चल करके आपके संघ की धुरा को संभालने वाले हैं, संघ की बागडोर को संभालने वाले हैं। इसलिए बच्चों में संस्कार देना बहुत जरूरी होता है। हमारे नाथद्वारा चौमासे में लगभग 20 से 25 बच्चों ने नए प्रतिक्रमण तैयार किए, ये चातुर्मास की उपलब्धि है। चातुर्मास की उपलब्धि नए बच्चे तैयार करने में होती है, चातुर्मास की उपलब्धि बच्चों को संस्कारित करने में होती है, चातुर्मास की उपलब्धि बच्चे गुणवान बने, बच्चे सत्संस्कारी बने, बच्चे धर्म के प्रति लगन और भक्ति वाले बने, तभी हमारा संघ सुरक्षित रहेगा, तभी हम संघ को ऊंचाइयां प्रदान कर सकेंगे। ऐसे संघ को ऊंचाइयां प्रदान करने का काम संघ के वरिष्ठ श्रावकों ने उन बच्चों का उत्साह वर्धन करने में किया। आज हमारे बीच में नाथद्वारा से संघ लेकर के आए हैं जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय मंत्री भाई श्री अंबालाल जी लोढ़ा, उनके सुपुत्र सुनील कुमार जी लोढ़ा और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा जी लोढ़ा। उनके दिल में भावना है, संघ के समस्त सदस्यों के अंदर ये भावना है, संतों का चातुर्मास नजदीक में है, आने वाला हमारा क्षेत्र भी इन संतों से चातुर्मास से लाभान्वित बने, हमारा क्षेत्र को भी ये ऐसा मौका मिले, इसके लिए बार बार संतों के चरणों में अपनी याद दिलाने के लिए उपस्थिति दे रहे हैं। और आज लगभग 2 बसों से संघ लेकर के आए हैं अंबालाल जी साहब लोढ़ा, और 1 बस नवयुक्त संघ के द्वारा यहाँ पर लाई गई है। नवयुवकों का उत्साह, नवयुवकों के दिल में परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति जो भक्ति है, सचमुच में वो तारीफ काबिल है। ऐसी भक्ति ही हमारे संघ को आलोकित करती है। जैसी लगन, जैसी भक्ति श्रावक और श्राविकाओं के अंदर, ऐसी जब युवाओं के अंदर होती है तो हमारे संघ की गरिमा बढ़ती है, संघ की शोभा बढ़ती है और संघ के नाम को हम उज्जवल करने वाले होते हैं। भाई श्री नंदलाल जी, लोकेश कुमार जी राय सोनी के यहाँ से श्रीमती भाग्यश्री बहन आज 9 उपवास की तपश्चर्या लेकर के उपस्थित हुई है। जिनके परिवार ने नाथद्वारा चौमासे के अंदर सर्वप्रथम मास खमन की शुरुआत की और उस मास खमन को ऊंचाइयां देने के लिए संघ के भाई बहनों में लाइन लग गई, पुरुषों में भी मास खमन हुए, बहनों में भी मास खमन हुए और देखते देखते लगभग 18 से 21 मास खमन नाथद्वारा चातुर्मास के अंदर संपन्न हुए और विविध प्रकार की तपश्चर्या वहां चातुर्मास में संपन्न हुई। ऐसे संघ अपनी उत्तम भावना लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो इधर अहमदाबाद से, ओढ़व से श्री संघ अपने संघ की भावनाओं को लेकर गुरु चरणों में उपस्थित हुआ है। सचमुच श्रावकों में गुरुओं के प्रति ऐसी अद्भुत भक्ति होती है, तब संतों के दिल में उन क्षेत्रों के प्रति अपनी एक अलग भावना उन संघों के प्रति बनती है। सचमुच अपने संघ की फाइल को ऊपर लाने के लिए संतों को समय समय पर याद दिलाते रहेंगे तो आपके संघ को संतों का यथा समय लाभ मिल सकता है और आपको चातुर्मास का भी लाभ मिले, शेष काल का भी लाभ मिले और समय समय पर गुरु आपके क्षेत्र को आकर के संभालते रहें। ऐसी भावनाएं श्री संघ अपनी गुरुओं के चरणों में लेकर के आया है।
गुरु दर्शन यात्रा की भावनाओं को लेकर के गुरुओं के प्रति अहमदाबाद वालों की जो अद्भुत भक्ति है, युवाओं के अंदर वहां पर जो अनन्य गुरुओं के प्रति सेवा भावना का जो लक्ष्य है वो वास्तव में देखते बनता है। ऐसा लक्ष्य जब युवा समाज के अंदर होता है तो उससे संघ का गौरव बढ़ता है। इसलिए संघ के श्रावक श्राविकाओं को भी अपने युवाओं को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारे संघ का गौरव बढ़ेगा, हमारे संघ की सारी गतिविधियां सुदृढ़ बनेगी। अपने संघ को मजबूत करने के लिए युवाओं को हमेशा आगे रखना चाहिए और इसके लिए सादरी संघ पूरा ध्यान रखता है अपने युवा साथियों का, अपने वीर लोकाशा मंडल के कार्यकर्ताओं का। और इसीलिए आने वाली 27, 28, 29, 30 अक्टूबर को यहाँ पर एक बहुत बड़ा पशु चिकित्सा शिविर लगने जा रहा है, जिसमें हजारों पशु बाहर से यहाँ पर आएंगे और उनके ऑपरेशन से लेकर के उनका हर प्रकार का उपचार इलाज यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा किया जाएगा। और वो लाभ ले रहा है श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादरी एवं वीर लोकाशा मंडल के कार्यकर्ता, उनके तत्वावधान में ये पशु चिकित्सा शिविर का 25वां शिविर लग रहा है। आज तक 24 शिविर यहाँ पर लग चुके हैं और हर शिविर के अंदर हजारों पशुओं की सेवा होती है, शुश्रूषा होती है और उनके इलाज और उपचार के साथ बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। ऐसा कार्य सादरी संघ पिछले 24 वर्षों से कर रहा है। ये 25वां रजत जयंती वर्ष सादरी संघ के आंगणे में उपस्थित हुआ है। भाई श्री पीयूष जी मेहता जो वीर लोकाशा मंडल के अध्यक्ष हैं और उनके टीम के सारे सदस्य उनके साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां देने के लिए कभी से लाइन में लग चुके हैं और संघ भी उतना ही अपने मंडल को सहयोग करने में किसी तरह की कमी नहीं रख रहा है। बस ऐसा भाव हमारे संघ के अंदर परस्पर होता बना रहे, तभी हम अपने संघ को गरिमावान बना सकेंगे।